कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,175 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,646 है। इस प्रकार अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर के 22,877 रह गई है, 22,877। संक्रमण के पश्चात अब तक कुल 16,52,417 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में 97.4% चल रहा है। कल 24 घंटे में पोर्टल पर 136 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 3,18,714 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 1,35,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें भी थी। अब तक कुल मिलाकर 5,07,23,809 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और विगत 24 घंटों में प्रयोगशालाओं को जनपदों से आरटीपीसीआर की जांच के लिए 1,38,627 सैंपल्स भेजे गए। जो जांचें हमारे यहाँ की जाती हैं, जैसा आप जानते हैं, आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और एंटीजन किट, तीनों को मिलाकर जांचें की जाती हैं, जो हम प्रतिदिन आजकल पिछले कई दिनों से 2 सप्ताह से लगभग हम 3 लाख से अधिक प्रतिदिन करते हैं। 22,877 एक्टिव केस में से 12,921 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के मरीज सरकारी चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई लगातार चल रही है। 2,91,769 इलाकों में 6,42,667 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,56,88,822 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,16,24,758 है। कोविड वैक्सीनेशन के अंतर्गत अब तक 1,58,69,421 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 35,61,731 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 1,94,31,152 डोजेस लगाई जा चुकी हैं। आज से प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सीरो सर्वेलेंस स्टडी का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत 11 जून तक ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और लगभग 62,000 सैंपल्स प्रदेश के 75 जिलों से कलेक्ट किए जाएंगे और उसका अध्ययन किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा सेरो सर्वेलेंस स्टडी है, जिसके आधार पर हमें आगे अपनी रणनीति बनाने में सुविधा होगी। वैक्सीनेशन के कार्य को भी बहुत तेज कर दिया गया है और सोमवार से जिस प्रकार से हम 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक स्पेशल चला रहे हैं, उसी तरह से सोमवार से अब हम महिलाओं के लिए भी स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर, विशेष वैक्सीनेशन केंद्र चलाने जा रहे हैं, जिनको महिला स्पेशल कहा जाएगा। इन सेंटर्स पर केवल महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। तो रविवार को आप अगर किसी भी उम्र की आप महिला हैं तो आप महिला स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अपना स्लॉट बुक करवा सकती हैं।
सर्वेलेंस का कार्य, टेस्टिंग का कार्य, वैक्सीनेशन का कार्य, उपचार का कार्य सब तेजी से हो रहा है और संक्रमण प्रदेश में बहुत ही कम हो गया है। कुल संक्रमण प्रारंभ से अब तक इसकी दर 3.3% है और जो दैनिक संक्रमण है वो 0.5% से भी कम हो चुकी है। लेकिन सावधानी हमें लगातार बरतते रहना है। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी जिले में 600 से अधिक अगर सक्रिय केस हो तो वहां पर कर्फ्यू में छूट नहीं दी जा रही है। अब तक 65 जिले ऐसे हैं जिनमें सक्रिय केस की संख्या 600 से कम हो चुकी है और वहां पर कर्फ्यू में बहुत सारी छूट दी गई है। जैसे जैसे अन्य जनपदों में भी ये संख्या इसके नीचे आएगी तो वहां भी छूट दी जाएगी। लेकिन अगर ये संख्या फिर से अगर 600 के ऊपर जाएगी तो फिर से वहां छूट समाप्त भी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से एक रणनीति के तहत ताकि कोविड का संक्रमण प्रदेश में नियंत्रित रहे उसके अंतर्गत सारे कार्य किए जा रहे हैं।